क्या चाहते यहाँ पे आए हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और ये हमारा प्रोटेस्ट तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम हमारे ये तीनों मसले क्लियर नहीं होते हैं और आज की डेट में हम यहाँ से डिपार्टमेंट को ये वार्निंग देते हैं कि कम से कम हमारा जो चीफ साहब है पी एम जी एस वाई एस सी साहब है पीडब्ल्यूडी एडी फूड हैं और हमारे जो नौजवान होनहार डिप्टी कमिश्नर कठुआ हमें उनके ऊपर भरोसा है कि उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची थी हम आज आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब तक मतलब एक मौतबाना गुजारिश करते हैं ये जो गरीब औरतें यहाँ आई हैं ये जो गरीब लोग यहाँ पे हैं मैं इनकी तरफ से जनाब डीसी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब यहाँ का दौरा बनाएं और खुद यहाँ के हालात देखें कि ग्राउंड पे क्या है और यहाँ पे अफवाहें किस किस्म की जा रही हैं तो ये लोग बड़े परेशान हैं दूसरी बात यह भी है कि ये जो प्रोटेस्ट आया ये सीधे साधे शरीफ लोग हैं इनकी आज मजबूरी है और हम ये कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई ऑफिसर इनको डराने की कोशिश करेगा हमारा पूरा मन प्रोटेस्ट है लोग एहतजाज करेंगे तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमारे ये दो, दोनों रोडों की यहाँ पे हाईकमान आके बात नहीं करती है हमारे राशन का जो मसला है उसको नहीं करते अगर ठेकेदार काम नहीं करता है उसको टर्मिनेट कर दो जो फूड एंड सप्लाई वालों का ठेकेदार है और उसके बाद ये जो है डिपार्टमेंट खुद इसका अरेंजमेंट करे हाँ एक दूसरी बात हम यहाँ से और कहना चाहते हैं अगर डिपार्टमेंट के पास किसी किस्म की कमी है वो राशन लाए जहाँ तक रोड आता है आगे से लोग खुद उठाएंगे लेकिन ये जो गलत प्रपो गंडे हैं कि वहाँ पे जो है रोड खराब है पटीबाग तक तो रोड है और दूसरी बात पी एम डिपार्टमेंट के लिए एक और वार्निंग है जब यह रोड का काम चला था तो लोगों की इसमें माल की जमीनें आई यह लोग नहीं बोले और लोहाई से जो बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आते हैं वो भी हमारी जो पगडंडियाँ थी जब ये रोड का अर्थवर्क मल्हार तक हो वो वो सारी पगडंडियाँ बंद हो गई अब उस रोड में आपने खुद ही देखा कि कितना मलबा पड़ा है कैसे बच्चे आ रहे हैं बच्चे डूब रहे हैं उस दलदल दल में तो दूसरी बात ये है कि इसमें दो तीन जो है मकान लोगों के डैमेज हो गए अब ये जो है डिपार्टमेंट उस ठेकेदार के ऊपर एफ लगाए जिसने लोगों की यहाँ खलबली डाल के आधे मकाम पे रोड छोड़ गया तो ये चीज़ जो है कभी बर्दाश्त नहीं होगी हमारा जो प्रोटेस्ट है ये बिल्कुल जारी रहेगा अगर यहाँ किसी भी किस्म की कोई आवाम को परेशानी आई तो उसकी जिम्मेवार जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी तो मुश्ताक साहब आप मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे पेंच सरपंचस होते हैं और उनकी जिम्मेदारी खास करके होती है तो क्या मल्हार की जो यहाँ पे कैमरे के सामने इतनी गरीब आवाम है क्या उन लोगों ने इन लोगों के साथ कोई ताउन नहीं दिया आज इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं शायद देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो नायब सरपंच साहब है वो तो हमारे साथ मौजूद हैं जी पी के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जी अब शायद मैं आपको ये क्लियर बताना चाहूँगा कि पी आर के लोग हैं वो भी डिपार्टमेंट को गुहार लगाते होंगे डिपार्टमेंट उनको भी टाल मटोल करता होगा उनको भी वो डिपार्टमेंट जो है टाल मटोल करता होगा आप जब लोगों ने मुनासिब समझा कि उनकी भी आवाज में कोई असर नहीं है तो इसलिए आज जनता जो है अपनी आवाज लेके खुद आपके सामने खड़ी है आप देख रहे हो आज वो गलियों में खड़े है जैसे आपने ये आज मुहिम जारी की कब तक रहेगी ये मैंने आपको पहले भी वाजे कर दिया हमारी मुहिम जो है पूर्व अमन एहत जो है ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास जो है जो हमारे ये तीन मसले हैं इनके आला अधिकारण यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारा जो है प्रोटेस्ट जारी है हमारे पास भेजेंगे टीएसओ साहब को टीएसओ साहब की तो ये मिली भगत है शायद हो सकता है टी एस ओ साहब ने हाई हाईकमान को यह नहीं बताया होगा कि ग्राउंड पे रिपोर्ट क्या है क्योंकि वो तो अंगूठा लगवा रहा था हो सकता है हमारे जो डायरेक्टर है फूड एंड सप्लाई वो वहां पे चेक करते होंगे कि हर जगह पे राशन जा रहा है अंगूठे का मतलब क्या है कि ऑनलाइन हो गया इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे आला अधिकारन आए वो ईमानदार ऑफिसर होते हैं हमारे जो चीफ इंजीनियर पी एम जे एस वाई है मुझे नहीं पता है कि शायद उनके नॉलेज में ये बात हो और मैं उनसे भी मौत गुजारिश करता हूँ कि जनाब आप देखिए ये सेंटर का पैसा है ये गटकरी साहब का पैसा है अगर हमें ये आवाज़ गटकरी साहब तक भी पहुंचाना पड़ेगी हम उसमें भी पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि ये जनता के लिए रोड है क्या लोहाई मल्हार के लोग ब्लाक लोहाई मल्हार के लोग गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं ये हमारा टैक्स नहीं है अगर ये इसमें ठेकेदारी मनमानी कर रहा है और मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं उसको टर्मिनेट किया जा रहा है ये तो मिली इनकी हम यही मतलब हम यही दूध का दूध और पानी का पानी निकालना चाहते हैं जब हाई कमांड के लोग हमारे पास आएंगे हमें पूरा पता लगेगा कि इसमें राज क्या है आपने ये भी देखो होगा यहाँ इच्छु के लोग भी बीच में है महाराष्ट्र वालों ने अपने क्लियरेंस दे दी है सड़क से लेके जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वो तो फॉरेस्ट वालों ने क्लियर करके रखा है जी। का पूरा है, है। हर चीज अब ये बीच में राज क्या है यही राज जानने के लिए आज लोग जो है वो सड़कों पे है तो ये थे हमारे मुश्ताक साहब और इस समय मैं मौजूद हूँ मल्हार में और ये तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से